आज वाले व्लॉग के लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड था, बट मैं आपको बता दूं कि ये फैमिली वाला व्लॉग है बिकॉज इट्स माय मॉम बर्थडे। बट आपको मजा आएगा आएगा आएगा। आपको अगर मैं डंडा लेकर आ गया हूँ चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह देख लेते हो ना यार, यही मेरे लिए बहुत थैंक यू है। चैनल सब्सक्राइब करा है नहीं करा, लाइक करते हो नहीं करते हो, कमेंट करते हो नहीं करते हो, वो सब आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। आप प्यार देते हो वो ही बहुत है, और प्यार देते रहना क्योंकि प्यार की कमी है, बाकी अपने पास बाबा जी की कृपा से सब कुछ है। बहुत दिनों से कॉफ़ी पीने का सुबह सुबह मज़ा नहीं आ रहा था, और जब तक कॉफ़ी नहीं पीते ना यार, मतलब दिन की शुरुआत ही नहीं होती। तो इस चक्कर से मैंने आके एक बहुत बढ़िया वाला कॉफ़ी मग लिया है यहाँ से। डिज़ाइन इसका आपको मैं अगले वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा, ठीक है? खाएगा? भूखी लगी है? हैं, भूखी लगी तेरे को? बाकी सारे कहाँ पर हैं? तो यार आप कह सकते हो ना कि मैं अपने ब्लॉग्स के अंदर हर वक्त ये डॉग्स वगैरह दिखाता रहता हूँ, बट मैं एक बात बता दूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनको ये सब चीज़ें देखनी अच्छी लगती हैं। अब इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी के लिए केक लेने, क्योंकि कल मेरी मम्मी का बर्थडे है। सो आज रात को हम 12 बजे केक वगैरह कट करेंगे, और मेरी सिस्टर वगैरह भी आएगी। सो इसलिए मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ ना, उस जगह पर बहुत बढ़िया वाले स्पेशल वाले केक्स मिलते हैं, वहाँ से लेने का एक ही रीज़न है कि यार वो जो ब्रेड यूज़ करता है ना, उसकी ब्रेड बहुत अच्छी होती है। वो जो केक के लिए ब्रेड यूज़ करता है वो हल्की वाली ब्रेड नहीं है, जो मतलब बिना जिसको खाने का ना मज़ा ही ना आए। मतलब ना यार मैं पूरा फील लेता हूँ, अगर मैं कोई चीज़ खाता हूँ ना तो उसकी हर एक चीज़ की फील लेके खाता हूँ, और ख़ुद भी बढ़िया चीज़ खाता हूँ और दूसरे को भी बढ़िया चीज़ ही खिलाता हूँ। चेक कर रहे हो, ये मेरे पीछे जो दुकान है, मैंने यहाँ से केक लेना है, और रश देख रहे हो कितना ज़्यादा वाला रश है, जैसे फ्री में बांट रहा हूँ। लोग कहते हैं काम नहीं है काम नहीं है काम नहीं है, अरे भाई जिनका काम नहीं है यही वाला काम खोल लो, बेस्ट है। लाइन देखो कितनी ज़्यादा वाली लगी हुई है, चलते हैं यहाँ पर, अब उनको भी लाइन में लगना पड़ेगा। क्या कर रही है, क्या कर ली तू? बोलो। ओए इतनी जोर सी, अभी दिवाली थोड़ी ना आई है, बता। ओए दिवाली थोड़ी ना आई है, अभी आई है। ओए लगी? हाँ लगी, मेरे को जोर सी लगी है, मेरे को बड़ी जोर सी। तू मेरी पिटाई क्यों कर रही है? हाय हाय लड़की, क्या कर रही है क्या कर रही है क्या कर रही है तू? येलो पॉपअप। भाई दिवाली तो आई नहीं अभी, दादी का बर्थडे, इस करके तू पटाखे बजा रही है। हाँ। बजा बजा। ओए अब यहाँ सफाई कौन करेगा? बट हैं, मैं करूँगा, मैंने तो करी नौकरी करी कोई। हाँ। कौन सी नौकरी करी है? एक झूला देने की, एक सामान उठाने की, और ये सफाई की थोड़ी ना मेरी। हाँ, सफाई की है। सफाई की भी मेरी है, मैंने तेरी नौकरी कर ली। पैसे दो। ठीक ओके। हेलो हेलो भाई जपजी, जपजी नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया है गावे, है ना जपजी? हाँ चुपा
मम्मी का बर्थडे है, मैंने सोचा कि चलो यहाँ चलता हूँ, यहाँ जाके ना दो चार इंडियन बर्ड्स लूँगा और उनको लेके ना घर लेके जाऊँगा और मम्मा को गिफ्ट करूँगा और बोलूँगा कि उसको ना उड़ा दो आप। बट ना यार, ये सारे के सारे इम्पोर्टेड वाले बर्ड्स हैं और अगर मैं इनको लेके जाता हूँ तो इसको घर पर ही रखना पड़ेगा, इनको मैं उड़ा नहीं पाऊँगा। अगर मैं इनको उड़ा दूँगा ना तो ये मर जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से नहीं बने हुए। एंड सेकेंडली, जो हमारे इंडियन बड़े वाले बर्ड्स होते हैं ना, ईगल वगैरह या जो बड़े वाले बर्ड्स होते हैं ना, वो इनको मार मूर देंगे। तो इनको बेसिकली अगर इंडिया में है ना, तो इनकी एक्चुअल जगह ना इनके केज के अंदर ही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, आप लोग मुझे सजेस्ट करके बताना है कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। बट मेरे दिमाग में यही था कि मैं ना यार मम्मा को आज कुछ बर्ड्स वगैरह गिफ्ट करूँगा और मम्मा को बोलूँगा कि इसको उड़ा दो। बट यार यहाँ पर तो इंडियन बर्ड्स है ही नहीं है, सारे के सारे इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं। सो अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि इनको लेके जाऊँ ना लेके जाऊँ, उड़ाने के लिए बेसिकली, पालना नहीं है मेरे को, उड़ाने के लिए। तो मैं सोचता हूँ घर जाके बात करता हूँ मम्मा से, और उसके बाद फिर अगर कुछ होगा तो फिर आ जाऊँगा दोबारा से वापस लेने के लिए। सारा दिन हो चुका है यार काम करते करते करते, टाइम ही नहीं मिलेगा वे कि मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए, क्योंकि यार फुर्सत ही नहीं मिलती। भी बहुत ज़्यादा वाले काम होते हैं कि कैमरा भी ऑन नहीं होता है वे, बाकी तो काम भी नहीं हो पाते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है। सो इस चक्कर मैं क्या यार हूँ, एटलीस्ट मम्मी ने और गुरुद्वारे मत्था टिका ले आइए। सो उस चक्कर असं बंगला साहब गुरुद्वारे या रकाबगंज गुरुद्वारे मत्था टेकन जा रहे हैं। देखते हैं रस्ते में डिसाइड करते हैं कि कितने जावे। ठीक है, चलो चलिए। सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सैभं गुरु प्रसाद। सो ऑल एंड ऑल बाबा जी की कृपा नाल बाबा जी के दर्शन बहुत वधिया हो गए एंड मम्मा का असी आज अपना बर्थडे भी बहुत वधिया वाला सेलिब्रेट कर लिया। ईवन असी गुरुद्वारे आने तो पहले भी एक असी केक कट के आए हैगे आ, जेड़ा केक मैनू मेरे दोस्त साहिल ने भिजवाया सी। सो देखो, प्यार से दी हुई हर चीज़ बहुत ही बढ़िया होती है। सो उसी तरीके से मेरी मम्मी का बर्थडे था तो रोमा भाभी और साहिल भाई ने मेरी मम्मी के लिए केक भिजवाया। सो यार आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू है। मम्मी थोड़ा दिन आज तक किदा गया है दसो पहले। थोड़ा उच्चा बोलना पेगा तो इन्ना होली बोलोगे तो सामने वाले सुना ही नहीं देगा फिर। थोड़ा उच्चा बोलना पेगा भाई, उच्चा बोलो थोड़ा जा। बहुत वधिया भी थे। वैसे किता की असी देखो कैमरे के अंदर ज़्यादा रिकॉर्डिंग असी की नहीं, बट तुसी की किता सारा दिन है दसो। सब अज वैसे ना बाबा जी की कृपा नाल मम्मी नू बहुत सारे वाले फोन भी आए, इंस्टाग्राम से भी बहुत सारी वाली विशेज आई हैं। और की किता तुसी उस तो बाद? लंगर भी बनाया, लंगर गुरुद्वारे भी दिया है, बट असी वीडियो भी नहीं दिखाया। और की किता दस दो, शर्माओ नहीं, कोई गल नहीं। मेरी मम्मी थोड़ी जी शर्मांदी भी है कैमरे देखे, कहती तू की शुरू कर लिया यार, हर वेले कैमरा हो चुके शुरू हो जाना है, जो दिल करता उसे रुक जाना और कैमरे से गल्ला करना शुरू कर देना है वे। तो दसो यार एक्चुअली ये सारी ना मैमरी देखिया ने उन्हें असी बंगला साहब गुरुद्वारे आए सी। थोड़ा मास थले करके बोलो, थोड़ा जहा उच्चा बोलना पेगा भाई। हाँ, गुरु साहब के दर्शन किए, दर्शन करके हम असं वापस घर जा रहे हैं। तो असी सोचा कि चलो तुम्हें दस दिए कि बाबा जी की कृपा नाल दर्शन बहुत सोहने हो गए हैं ऑल एंड ऑल। मतलब कि मम्मा ने बर्थडे भी बहुत वधिया वाला सैलीब्रेट होगा भी। मैं सारा दिन दुकान देगा सी, इस करके रिकॉर्डिंग नहीं करवाया, बट घर मम्मा ने लंगर बनाया अपने घर के कोल गुरुद्वारे उत्थे लेके गए। प्लस मम्मी ने अब दो दिन केक भी कट्टे ने, गिफ्ट भी आए ने, विशेज भी आई ने। सो जो भी सी, मतलब अज का दिन मम्मी का बहुत वधिया गया। तोड़े सारे लोगों ने भी मैंने बहुत सारी वाली मम्मा वास्ते विशेज भेजी है ने। सो तोड़े सारे का दिल तो थैंक यू है। एंड इस वीडियो में असं इतें ही खत्म करते हैं।
एंड आई होप कि तुम्हें अजली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो गिव्स अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू शुड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।